तो सोशल नेटवर्क में जैसे व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में इस टाइप की फोटो जो है वो देखने को मिल रही होंगी। काफी लोग इस टाइप की फोटो जो है वो शेयर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए, कोई गोलगप्पे वाला है, उसने लिखा हुआ है पेटीएम एक्सेप्टेड हेयर, और उसके बाद सब्जी वाले के पास यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अगर कोई रेडी वाला है वो भी आपको मिल जाएगा। तो ऐसी सारी फोटो जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। चाहे कहीं पर आपको पार्किंग स्पेस मिल रहा है वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, कोई अगर दूध बेच रहा है उसके वहाँ पर मिल जाएगी, रिक्शे वाले के वहाँ पर मिल जाएगी, चाय वाले के वहाँ मिल जाएगी, कोई ग्रॉसरी का सामान बेच रहा है उसके वहाँ मिल जाएगी, अगर कोई स्ट्रीट फूड का लगा रहा है तो उसके वहाँ मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि अगर आप कोई छोटे बिजनेस ओनर हैं या फिर अगर आप पेटीएम से किसी को पैसा देना चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं तो आप इसको आसानी से कैसे कर सकते हैं। मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने बैंक अकाउंट को पेटीएम से कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब अपने बैंक अकाउंट में जो पैसा है आप उसको पेटीएम के वॉलेट में डाल सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको पेटीएम के जो पेमेंट के मेथड हैं उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे अगर आपको पेमेंट किसी को करनी है तो आप कैसे उसको कर सकते हैं, क्यूआर कोड की हेल्प से या फिर आप अपने मोबाइल नंबर की हेल्प से। और अगर आपको पेमेंट रिसीव करनी है आप कैसे पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं, क्यूआर कोड की हेल्प से या फिर मोबाइल नंबर की हेल्प से। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना क्यूआर कोड जो है उसको अपनी दुकान के आगे अगर लगाना चाहते हैं तो आप उसको आसानी से लगा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि जो भी आपके ट्रांजैक्शन होंगे वो आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं कि किससे आपने कितने पैसे लिए हैं या फिर किसको आपने कितने पैसे दिए हैं। और साथ ही साथ जो भी पैसा आपके पेटीएम के वॉलेट में होगा आप उसको कैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं पेटीएम के बारे में कि कैसे पेटीएम अकाउंट से लेन देन करें आसानी से, फिर चाहे आपके जेब में पैसे हों या ना हो, अगर कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल जाता है कि पेटीएम एक्सेप्टेड तो आप वहाँ पर से कोई भी सामान ले सकते हैं। अगर आपको कुछ खाना है तो आप खा सकते हैं और फिर आप अपने मोबाइल से ही उनकी पेमेंट जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं इसको कैसे करना है तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। यहाँ पर से देखिए, पेटीएम को यूज़ करने के दो तरीके हैं। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके पेटीएम से पैसा रिसीव करना चाहते हैं या सेंड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल फ़ोन में पेटीएम की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, उसको इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पर से इसका जो डाउनलोड लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ पर से आपको एंड्रॉइड का भी लिंक मिल जाएगा, और अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर आईफोन का भी लिंक मिल जाएगा। आप अपने फोन में उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, paytm.com खोलना होगा। और जैसे आप paytm.com खोलते हैं तो यहाँ पर कहीं पर आपको एक साइनअप का ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ पर से उसमें साइनअप कर लीजिए। तो यहाँ पर से देखिए, मैं इसमें ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो यहाँ पर से मेरे को मेरा यहाँ पर नाम दिखा रहा है। तो अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन पे भी पहली बार पेटीएम को यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, साइनअप करना होगा। साइनअप करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और कुछ बेसिक सी डिटेल्स हैं आपको उसको डालना होगा, और फिर आप क्या कर सकते हैं, आसानी से जो एप्लीकेशन है उसमें साइनअप हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से मैंने अपने जो फ़ोन है उसमें पहले से ही पेटीएम जो है उसको इंस्टॉल कर रखा है। मैं यहाँ पर से आपको दिखा देता हूँ कि पेटीएम कहाँ पर है, मैं इसको लॉन्च भी कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये पेटीएम की एप्लीकेशन है, मैं इसको लॉन्च कर देता हूँ यहाँ पर से। और जैसे मैं यहाँ पर से इसमें क्लिक करता हूँ तो ये एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च हो जाती है। तो मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा, दो फोन में दिखाऊंगा, एक एंड्रॉयड में दिखाऊंगा और एक मैं आपको आईफोन में दिखाऊंगा। यहाँ पर से देखिए, ये एक एंड्रॉयड फ़ोन है और यहाँ पर ये आईफोन है। तो मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर अगर आपको पेमेंट रिसीव करनी है तो आप वो आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों फ़ोन में एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है। मैं क्या करता हूँ, दोनों फ़ोन में एप्लीकेशन जो है उसको लॉन्च कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी पेटीएम जो है वो लॉन्च हो चुका है और यहाँ पर भी पेटीएम लॉन्च हो चुका है। तो यहाँ पर से देखिए, जैसे हमने पेटीएम को लॉन्च करा तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, जो हमारा बैंक अकाउंट है उससे हम कुछ पैसा जो है वो पेटीएम के वॉलेट में ट्रांसफर करेंगे। पेटीएम का वॉलेट मान के चलिए जैसे आपका वर्चुअल बैंक है, जैसे आपका क्लाउड स्टोरेज होता है। आप क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर लैपटॉप से कोई डेटा को क्लाउड में स्टोर कर देते हैं और फिर उसको अगर कभी शेयर करना हो तो आप वहाँ पर से शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर आपको अपने बैंक अकाउंट से पैसा जो है वो ट्रांसफर करना है तो आप आसानी से पेटीएम के वॉलेट में कर सकते हैं, और फिर अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है पेटीएम के थ्रू तो वो आप आसानी से अपने वॉलेट के थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर से अपने बैंक अकाउंट से इसमें कुछ पैसा जो है वो ऐड करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर ऐड मनी पे क्लिक करना होगा। तो मैं यहां पर से ऐड मनी पे क्लिक करता हूं, और जैसे मैंने यहां पर से ऐड मनी पे क्लिक करा तो यहां पर ये मेरे से बोल रहा है कि बैंक से मैं कितना पैसा अपने पेटीएम के वॉलेट में ट्रांसफर करना चाहता हूं। तो जैसे मान के चलिए मैं यहां पर से 200 रुपये जो है वो ट्रांसफर कर देता हूं। ठीक है, मैंने यहां पर 200 लिखा और उसके बाद यहां पर ऐड मनी का ऑप्शन आ गया। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर से इसमें क्लिक करूंगा। तो यहां पर से देखिए, जैसे मैंने ऐड मनी पे क्लिक करा तो यहां पर ये मेरे से बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ आ गया है डेबिट कार्ड। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप यहां पर से डेबिट कार्ड के थ्रू ही इसको क्या करेंगे, पेमेंट को प्रोसेस करेंगे। तो यहां पर से देखिए, आपको क्या करना होगा, अपने कार्ड का जो आपके पास एटीएम है उसमें यहां पर जो भी डिजिट लिखी होंगी वो सारी की सारी यहां पर आपको डालनी है। उसके बाद यहां पर आपको अपने कार्ड की एक्सपायरी डालनी है जो आपके कार्ड पर लिखी हुई मिल जाती है,
और उसके बाद यहाँ पर आपको कार्ड में जो CVV नंबर कार्ड के पीछे साइड लिखा हुआ मिलता है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, पे नाउ पे क्लिक करना है। और अगर आप यहाँ पर से अपना कार्ड जो है उसको सेव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जो कार्ड की डिटेल्स है वो पेटीएम के पास सेव हो जाए, बार बार आपको ये डिटेल्स डालनी ना पड़े, तो आप यहाँ पर से इसको चेक कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर से इसको चेक नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से इसको अनचेक कर दीजिए। आप यहाँ पर से इसको अनचेक भी आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप डेबिट कार्ड से नहीं करना चाहते पेमेंट, आपको किसी और मेथड से करना है, तो यहाँ पर आपको और भी यहाँ पर पेमेंट मोड जो है वो आपको मिल जाते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर से क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, एटीएम कार्ड का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर से मैं अपना कार्ड की जो डिटेल्स है वो सारे के सारे डाल देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने कार्ड की जो डिटेल है वो सारे के सारे डाल दी है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए जैसे पे नाउ पे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर से ये मेरे को पेमेंट गेटवे पे लेके आ गया। और यहाँ पर ये मेरे को दिखा रहा है कि कितना अमाउंट मैं यहाँ पर से पे करना चाहता हूँ अपने बैंक अकाउंट से। और यहाँ पर उसके बाद मेरे पास मेरे फोन में OTP आ गया, मैंने यहाँ पर से OTP डाल दिया। उसके बाद मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पर स्टेट बैंक का जो है वो ATM कार्ड है, इसलिए मेरे पास यहाँ पर ये जो बिल्डेस्क का पेमेंट गेटवे खुला है वो यहाँ पर से बिल्डेस्क का खुला है। और जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक करा तो यहाँ पर ये देखिए जो मेरा पेमेंट है वो 200 रुपये की यहाँ पर ये पेटीएम को रिसीव हो गई है। और यहाँ पर से आपको ये ऑर्डर नंबर मिल जाता है और उसके बाद यहाँ पर ये आपको अमाउंट मिल जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बैक करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि पेटीएम के वॉलेट में मेरे कितने रुपये जो हैं वो ऐड हो चुके हैं। और यहाँ पर देखिए पासबुक आपके पास एक ऑप्शन होती है, आपने क्या करना है, अगर आपको देखना है जितने भी आपने ट्रांजेक्शन करे हैं पेटीएम में, तो वो सारे के सारे आपको यहाँ पर आप उससे ट्रैक कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पासबुक में क्लिक करता हूँ। और जैसे मैंने यहाँ पर से पासबुक में क्लिक करा तो यहाँ पर ये देखिए जो अवेलेबल बैलेंस है वो यहाँ पर मेरे को कितना दिखा रहा है, 200 रुपये जो है वो दिखा रहा है। अब यहाँ पर से देखिए अगर मेरे को कहीं से कुछ शॉपिंग करनी है या फिर किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं तो वो मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ, अब अपने फ़ोन से कर सकता हूँ पेटीएम एप्लीकेशन को यूज़ करके। तो पासबुक में यहाँ पर ये देखिए मेरे को 200 रुपये दिखा रहा है और यहाँ पर ये दिखा रहा है कि मैंने कब इसमें जो है ये 200 रुपये को ऐड करा है। यहाँ पर ये देखिए 24 नवंबर दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर ये रिटर्न करने हैं मेरे को बैंक में, मतलब बैंक में वापस भेजने हैं, तो मैं यहाँ पर से आसानी से इसको कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से इसको बैक करता हूँ। और मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि अगर आपको पेमेंट रिसीव करनी है किसी दोस्त से या फिर अगर आप कोई दुकान वाले हैं, छोटे बिजनेस ओनर हैं, आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं अपने कस्टमर से, तो वो आप आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर से इसको बैक करता हूँ, मैंने यहाँ पर से इसको बैक कर दिया। और जैसे मैंने यहाँ पर से इसको बैक करा उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो आपके पास यहाँ पर बहुत सारे मेन्यू में यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, आपने क्या करना है, इसको स्वाइप करना है। और जैसे आप यहाँ पर से आप स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक ऑप्शन होता है एक्सेप्ट पेमेंट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से इसमें क्लिक करता हूँ, एक्सेप्ट पेमेंट में क्लिक करता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पर से इसमें क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए मेरे से मोबाइल नंबर पूछ रहा है और कितना अमाउंट मेरे को रिसीव करना है वो यहाँ पर से पूछ रहा है। और यहाँ पर से ये पूछ रहा है कि किस लिए मेरे को ये जो पैसा है वो चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पेमेंट जो लेने के तरीके हैं इसमें 2 तरीके हैं, या तो आप QR कोड का यूज़ कीजिए, वो अभी मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना QR कोड को गेट कर सकते हैं, और अगर आप अपनी दुकान के आगे लगाना चाहते हैं या फिर आप सोशल नेटवर्क में शेयर करना चाहते हैं जिससे कोई भी आपको पेमेंट कर सकते हैं, तो वो अभी मैं आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए जैसे मेरे को क्या करना है, इस मोबाइल नंबर वाले से पैसे लेने हैं। तो मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, इस मोबाइल नंबर वाले का यहाँ पर नंबर डालता हूँ, यहाँ पर अमाउंट डालता हूँ और यहाँ पर से बताता हूँ कि ये मेरे को पैसा जो है वो किस लिए चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ मोबाइल नंबर, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ये देखिए सारी की सारी डिटेल जो है वो डाल दी हैं। और यहाँ पर से देखिए मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है, यहाँ पर मैंने पैसे डाल दिए हैं 20 रुपये, और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ये टेस्ट है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट मनी का आपके पास एक ऑप्शन होता है, आपने क्या करना है, इसमें क्लिक करना है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से रिक्वेस्ट मनी पर क्लिक करता हूँ। और जैसे मैंने यहाँ पर से रिक्वेस्ट मनी पे क्लिक करा तो यहाँ पर ये देखिए जो ये यहाँ पर से मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी वो यहाँ पर से सक्सेस हो चुकी है। और यहाँ पर ये देखिए दूसरे फोन में यहाँ पर ये देखिए जो रिक्वेस्ट है यहाँ पर आ चुकी है। अगर यहाँ पर से इसने पेमेंट करनी होगी तो ये क्या करेगा, यहाँ पर से ओपन करेगा। तो मैं यहाँ पर से ओपन में क्लिक करता हूँ। और जैसे मैंने यहाँ पर से ओपन में क्लिक करा तो यहाँ पर ये देखिए मेरा नाम लिखा हुआ आ गया। और उसके बाद यहाँ पर से मेरे को क्या करना होगा, 20 रुपये यहाँ पर से भेजने होंगे। तो मैं यहाँ पर से क्या करूँगा, सेंड में क्लिक करूँगा। और अगर अब यहाँ पर से मेरे पेटीएम के वॉलेट में 20 रुपये होंगे तो वहाँ पर से वो चले जाएंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से सेंड में क्लिक करता हूँ। और जैसे मैंने यहाँ पर से सेंड में क्लिक करा तो यहाँ पर ये देखिए ये मेरे से बोल रहा है कि इसको प्रोसेस करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए सारा का सारा डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ आ रहा है, जैसे मैंने वहाँ पर डाला था कि किस चीज़ के लिए है। तो यहाँ पर ये टेस्ट लिखा हुआ आ रहा है, अगर यहाँ पर से प्रोसीड करना है तो मैं यहाँ पर से प्रोसीड करता हूँ। और जैसे मैं यहां पर से प्रोसीड में क्लिक करता हूं तो यहां पर ये देखिए ये क्या कर रहा है, यहां पर से बोल रहा है पेमेंट कैसे करना है। तो यहां पर ये देखिए अगर सेव कार्ड यहां पर ये लिखा हुआ है, अगर यहां पर से दूसरा पेमेंट मेथड जो है वो सेलेक्ट करना है तो यहां पर से मैं क्या कर सकता हूं, इसको पे जो है वो कर सकता हूं। तो उसके बाद मेरे को अभी यहां पर से पे नहीं करना है तो मैं क्या करता हूं, इसको बैक करता हूं। और उसके बाद यहां पर से मैं क्या करता हूं, ये ट्रांजैक्शन जो है इसको कैंसिल कर देता हूं।
ठीक है, मैंने इसको बैक कर दिया, मैं इसको यहाँ पर अभी पे नहीं करना चाह रहा हूँ। तो एक तो मेथड ये है कि आप मोबाइल नंबर से पेमेंट को ले सकते हैं, और दूसरा मेथड भी मैं आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ कि अगर आपको QR कोड, जैसे आपने बहुत सारी फोटोज़ में देखा होगा कि आपको QR कोड लिखा हुआ मिल जाता है बहुत सारी दुकान के अंदर, जैसे यहाँ पर ये देखिए एक ये रेडी वाला है और यहाँ पर से इसने ये क्या कर रखा है, QR कोड अपने वहाँ पर लगा रखा है। तो ये QR कोड आप अपने लिए कैसे गेट कर सकते हैं वो भी मैं आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये देखिए आपको क्या करना होगा, जैसे आप पेटीएम में लॉग इन हो जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक ऑप्शन होता है प्रोफाइल का, तो आपने क्या करना है यहाँ पर से अपनी प्रोफाइल में क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर से प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए माय पेटीएम कोड आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आपने क्या करना है यहाँ पर से इसमें क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर से इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए ये जो आपका कोड है, मतलब ये जो QR कोड है ये आपका QR कोड है। आप यहाँ पर से अगर इसको शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से शेयर कर सकते हैं, अगर आप इसको प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से जैसे भी आपका प्रोसेस होगा प्रिंट आउट निकालने का आप यहाँ पर से उससे आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर से देखिए अगर आप इसको शेयर करना चाहें तो आप यहाँ पर से व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर से देखिए अगर आपको क्लाउड में कहीं सेव करना है, मतलब शेयर करना है, तो आप वहाँ पर से कर सकते हैं। अगर आपको ईमेल भेजना है तो आप यहाँ पर से ईमेल भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं, फेसबुक में शेयर कर सकते हैं, ट्विटर में ट्वीट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। और अगर आप इसको सेव भी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर से शेयर कर लीजिए व्हाट्सएप में और उसके बाद वो आपके फ़ोन में आ जाएगा। फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट जो है वो निकाल सकते हैं। और फिर अगर आपको अपनी दुकान के आगे लगाना है तो कहीं पर भी अगर आपको लगाना है तो आप इसका प्रिंट आउट लेके उसको लगा लीजिए। तो अगर आप कोई छोटे बिजनेस ओनर हैं तो आपको क्या करना होगा, दोनों चीज़ वहाँ पर अपने अपने काउंटर के आगे लगा लीजिए, एक तो QR कोड लगा लीजिए, दूसरा यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लगा लीजिए। तो अगर आपको किसी को पेमेंट भेजनी होगी तो वो क्या कर सकता है, अगर उसके उसमें कैमरा नहीं चल रहा है तो वो क्या कर सकता है, अपना जो जो आपको पेमेंट भेजनी होगी वो आपके मोबाइल नंबर से भी पेमेंट आपको भेज सकता है। तो यहाँ पर देखिए दो तरीके हैं जिससे आप पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं, और अगर आपको सेंड करनी है तो आप यहाँ पर से पेमेंट को सेंड भी कर सकते हैं। तो सेंड पेमेंट करने का यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर देखिए ये QR कोड है। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले फ़ोन से क्या करेंगे, हम इस QR कोड को स्कैन करेंगे और यहाँ पर से पैसा जो है अगर ट्रांसफ़र करना है तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर से मैं क्या करता हूँ, इस वाले से नहीं करता हूँ, इसमें पैसे हैं और इसमें जो पहले बैलेंस चेक कर लेते हैं इसमें कितना पैसा है, तो यहाँ पर देखिए जीरो पैसा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले से नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ इस वाले फ़ोन से, इस वाले में क्या करेंगे हम पैसा जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस वाले का जो QR कोड है वो भी मैं निकाल लेता हूँ। QR कोड निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर प्रोफाइल में क्लिक करना होगा, और जैसे यहाँ पर प्रोफाइल में क्लिक करा तो उसके बाद यहाँ पर देखिए QR कोड करने के लिए यहाँ पर ये देखिए माय प्रोफाइल, जैसे आईफोन में थोड़ा सा इंटरफेस जो है वो अलग होता है, तो यहाँ पर ये देखिए ये QR कोड है। तो मैं क्या करता हूँ इसमें क्लिक करता हूँ, QR कोड में जैसे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर ये देखिए QR कोड खुल गया। अगर आप यहाँ पर से अगर आपको अब पेमेंट करनी है, ठीक है, जैसे यहाँ पर से हम क्या करें, यहाँ पर होम में आ जाते हैं, मैं यहाँ पर से होम में आ गया और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास मेन्यू में ऑप्शन आता है। अगर आपको यहाँ पर से पे करना है, जैसे आपने किसी से कोई सामान परचेज करा और उसके बाद आपको पे करना है, तो यहाँ पर आपके पास पे का ऑप्शन है। और उसके बाद जैसे आप यहाँ पर से पे में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से आपका कैमरा जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर से पे में क्लिक करता हूँ, और जैसे मैंने पे में क्लिक करा तो यहाँ पर ये देखिए कैमरा जो है वो खुल गया। और यहाँ पर से आपको क्या करना होगा, QR कोड को स्कैन करना होगा। तो मैं यहाँ पर से इसको स्कैन कर लेता हूँ। जैसे मैंने स्कैन करा तो यहाँ पर ये देखिए डिटेल्स लिखी हुई आ गई है, जैसे यहाँ पर ये देखिए नाम लिखा हुआ आ गया कि किसको पेमेंट जा रही है, तो वो सारी सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई है। और उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कितना पैसा आपको यहाँ पर से ट्रांसफर करना है। तो मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, 20 रुपये जो है वो ट्रांसफर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर से 20 डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर से आपको क्या करना होगा, प्रोसीड टू सेंड 20 रुपये। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर से इसमें क्लिक कर देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर से इसमें क्लिक कर दिया तो यहाँ पर से जो पैसा है, यहाँ पर ये देखिए जो पैसा है वो यहाँ पर से तुरंत चला गया। और यहाँ पर ये मेरे को बैलेंस दिखा रहा है कि मेरे पास 180 रुपये बचे हैं। और यहाँ पर ये देखिए दूसरे फोन में दिखा रहा है कि 20 रुपये हैं वो रिसीव हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर से इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पेटीएम वॉलेट में अभी यहाँ पर 0 रुपये थे, और यहाँ पर ये देखिए पासबुक के अंदर ये पासबुक खुल गई है डायरेक्ट। और उसके बाद यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जो 20 रुपये हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो ऐसा करके आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अगर आपको किसी को पेमेंट लेनी है या फिर पेमेंट देनी है तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। अब बात आती है कि बैंक में कैसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं ये। तो यहाँ पर से देखिए मैं क्या करता हूँ, पासबुक में क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर से पासबुक में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन जो है अवेलेबल हैं। अगर आपको यहाँ पर से सारे के सारे ट्रांजेक्शन देखने हैं तो आपको यहाँ पर ऑल में जाना होगा, और जितने को आपने पैसे दिए होंगे अगर आप वहाँ पर से उनको देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से पेड में देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी 20 रुपये सेंड करे थे, तो यहाँ पर ये मेरे को -20 रुपये दिखा रहा है, और जितने भी आपने रिसीव करे होंगे वो यहाँ पर आपको रिसीव के अंदर दिखाएगा। तो यहाँ पर अभी मैंने कोई भी पैसा जो है वो रिसीव नहीं करा है, तो यहाँ पर से मेरे को कुछ भी नहीं दिखा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर से आप अगर एडिट में जाते हैं तो यहाँ पर से जितने भी आपने पैसे ऐड करे होंगे तो वो सारे के सारे आपको यहाँ पर से दिखा रहा है। तो जो पैसे आपने ऐड करें अगर आप उनको बैंक में वापस भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से क्या करेंगे, रिटर्न टू बैंक में क्लिक करेंगे। और अगर आप अपने वॉलेट से सारे के सारे पैसे अपने बैंक अकाउंट में भेजना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर से इसमें क्लिक करना होगा। तो अभी मेरे को कोई पैसा नहीं भेजना है तो मैं यहाँ पर से नहीं करता।
देता हूँ। तो अगर आपको यहाँ पर से पैसा भेजना है अपने पेटीएम के वॉलेट से, तो आपको क्या करना होगा, सेंड मनी टू बैंक में क्लिक करना होगा। तो मैंने आप सभी लोगों को बता दिया कि कैसे आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा जो है पेटीएम के वॉलेट में ऐड कर सकते हैं। पेमेंट के मैंने सारे के सारे मेथड आप सभी लोगों को बता दिए, और साथ ही साथ मैंने आप सभी लोगों को पासबुक के बारे में बता दिया, और ये भी बता दिया कि अगर आपको पैसा अपने बैंक अकाउंट में वापस भेजना होगा तो आप आसानी से कैसे भेज सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को बात जो है वो समझ में आ गई होगी कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से पेटीएम का यूज़ करके कैशलेस ट्रांजैक्शन जो है वो कर सकते हैं, पैसों का लेन देन जो है आपस में कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए इस वीडियो को शेयर करने की। हो सकता है कोई एक स्मॉल बिजनेस ओनर हो जिसको पैसे ना होने की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही हो अपने बिजनेस में, तो वो क्या कर सकता है, पेटीएम में अपना अकाउंट बना के पैसा जो है वो पेटीएम के थ्रू क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है, जिससे उसके बिजनेस में ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो अगर आपके कोई सवाल या फिर सुझाव हैं तो वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और अगर आपके पेटीएम से संबंधित कोई सवाल है तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और ऐसे ही कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में देखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, जो कि है facebook.com/howtohindi। आप यहाँ पर से इस पेज में आ जाइए और यहाँ पर से हमारा फेसबुक पेज जो है उसको लाइक कर लीजिए। इसको लाइक कर लीजिए, यहाँ पर देखिए लाइक बटन है, और इसको सी फर्स्ट कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। उससे होगा ये कि जितने भी हम पोस्ट डालते हैं फेसबुक में वो सारे के सारे आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। और कुछ पोस्ट में इसमें ऐसे डालता हूँ जिसमें मैं आप सभी लोगों से पूछता हूँ कि अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में वीडियो देखना है तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए। और अगर बहुत सारे लोग उसमें कमेंट में यस करते हैं तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, वीडियो बना देता हूँ। तो ऐसे जितने भी टॉपिक होते हैं मैं फेसबुक पेज में उसको डाल देता हूँ, तो आप यहाँ पर से हमारा फेसबुक पेज जो है उसको लाइक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, दिखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।